और आपके पास एंटीक पीस कौन सा पड़ा हुआ है, महंगा कोई अच्छा सा हो? अच्छा टॉप क्वालिटी और टॉप लिस्ट में ये नीलम कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बाग बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम हर जुमरात को कोई न्यू बर्ड या न्यू एनिमल लाते हैं, तो आज भी कुछ हम इसी तरह का बर्ड लाने वाले हैं। बर्ड में स्पेसिफिक आपको मंडी में जाकर बताऊंगा हम कौन सा बर्ड लाने वाले हैं और कौन सी नस्ल का है, तो ये मैं आपको मंडी में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंडी आए हुए हैं मलक रहमान के साथ, तो अभी हम जो है पीजेस देखेंगे। तो मलक साहब क्या अपडेट है मंडी की? अभी मंडी की अपडेट ये बहुत ज्यादा लेट आए हैं, इन्होंने खरीदने कोई कबूतर वगैरह तो नस्ल में इतना नहीं जाना, ये जाना है चैलेंज बेबी पीजेस का चैलेंज होगा हमारा कि हमने हिलानी भी है कबूतर और उड़ाना भी है। जैसा कि ये पिछले चैलेंज कर रहे थे कि जैसे इन्होंने चूजों की चैलेंज की है, फैंसी चूजे मतलब कलरफुल चूजे लेके आए थे, बच्चे लेके आए। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लें। चलें मंडी की सुविधा भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और खरीदते भी हैं। बिल्कुल मंडी की ये अपडेट है कि इस वक्त बहुत कम लोग आए हुए हैं, सारी जो है ना मंडी खाली हुई है। और ये कमे पिजेंस वाले मिलते हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन से पिजेंस पड़े हुए हैं। तो ये है जी इनके पास तीन फ्लोर बने हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी कौन कौन सी नस्लें पड़ी हुई हैं आपके पास? कोई पटे हैं? स्टेडी पड़े हैं, फिरोजपुरी पड़े हैं, सियालकोटी पड़े हैं, कमगर पठे पड़े हैं। पठ में हमारे पास जो है वो कमगर पठा है। इधर से है काले जीरे का मकर। अच्छा ये वाला है, ये कौन सी नस्ल का है? ये जीरे हैं जी, जीरे काले जीरे काला जीरा से निकले हुए हैं। प्यारे। और कोई है आपके पास? इसके अलावा हमारे पास ये है, ये फिरोजपुरी में फिरोजपुरी ये पट्टे हैं या फूल हैं? पट्टे हैं जी, पट्टे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितनी कितनी की? दूसरी दूसरी तीसरी। इसकी प्राइस भी साथ साथ ही बता दें हर पिजन की। ये 500 रुपए का पट्टा एक है जी। 500 का एक पट्टा है जी, ये सारा 500। ये ट्रेडियो में से और फिरोजपुरी में से निकला हुआ जी। अच्छा तो मतलब आपके घर की ब्रीड है? जी जी मेरे घर की ब्रीड है। ये टेडी और फिरोजपुरी का क्रॉस है जी, और बहुत ही अच्छा बंदर बना हुआ है इसमें। ये क्वालिटी वाइज ये इनकी फ्लाइट जो है वो कम अज कम जो 7 से 8 घंटे तक इनकी परवाज है। गोल्डन भी ले गए हैं आप? जी जी गोल्डन में बड़े हैं। कुछ बाजीगर पड़े हुए हैं आपके पास? सारे बाजी वाले देख रहे हैं, ये गोल्डन है जी। गोल्डन की निशानी भी बता। गोल्डन की निशानी ये है जी कि इसकी आंख में सुर्खी होगी, लाली होगी, और उसका हेड का जो शाइनिंग जो है वो सब्जी माइल ये इस तरीके से होगा। अच्छा अच्छा। और इसकी चोंच जो है वो इसकी आईज और ये चीजें ये ब्रिल ब्रिल कर रही है, ठीक है, ये शाइनिंग में होंगी। और आपके पास एंटीक पीस कौन सा पड़ा हुआ है, महंगा कोई अच्छा सा हो? एंटीक पीस मेरे पास अभी सबसे ज्यादा अच्छा टॉप क्वालिटी और टॉप लिस्ट में ये नीलम कबूतर है। नीलम कबूतर ये नीलम कबूतर जी। क्या हाथ बात है इसमें? इनकी आंखें भी नीली होती है। अच्छा ठीक है। और इसका पार जो है वो सब कबूतरों से वो मजबूत भी और चौड़ाई में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या प्राइस है इसकी? ये 5000। 5000 इसी प्राइस है। ये अकेले की या पेयर की है? अकेला जी, अकेला 5000। अकेला 5000 का है। जबरदस्त। और कोई ये भी नीला दिखा रहे हैं? हाँ कोई और सस्ता नीला हो? ये सस्ता है, ये काला सस्ता। अच्छा ये उसकी नस्ल में सी है? ये इसकी नस्ल में नहीं है, ये अलग है। रंग पे आपने नहीं जाना, आपने नस्ल पे जाना है। कबूतरों की ना रंगत एक जैसी होती है, नस्ल चेंज होती है। ये जो है ये जा रहा है, ये इनको हम तवे कहते हैं जी, तवे। ये 1000 रुपए का एक पीस है। 1000 का एक पीस है, माशाल्लाह प्यारे ये भी। तो अभी हम ये सिलेक्ट कर लिए तीन पिजन्स, और ये कौन कौन सी नस्लों के ये भी बता दें आप। ये एक जो है वो जीरो में है जी, एक जो ये व्हाइट वाला टेडी और फिरोजपुरी में है। ये व्हाइट वाला कोटी पट्टा है जी, ये दोनों व्हाइट जो है ना सियालकोटी है। सियालकोटी और ये सियालकोटी है, ये टेडी और सियालकोटी मिक्स है। अच्छा ये जीरो में से ये जीरो में कौन से टेडी और फिरोजपुरी है? मैं से क्रास में डाला हूं, दोनों क्रास है। ये जो है ना ये जो चल रहे हैं ये आपको जीरे हैं काले। अच्छा ये पर्स साफ करना शुरू हो गए हैं, मतलब ये भी आप हिलाएंगे तो जल्दी देखिए। अभी ये दूसरी कली में पट रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये निकाल रहे दूसरी कली है। तो इनका आप क्या करना है? मैंने घर जाके इनके पर जो है ना काट देने या बंद टेप से बंद कर दूं? मतलब इसमें आप घर में जाके इनको टेप से बंद कर दें। बिल्कुल 3-4 दिन ये बंदे रहे पर, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते इनके पर एक साइड खोल लें, दूसरे दिन दूसरी साइड करके दूंगा आपको पर बांध के दूंगा ना। आप थोड़े दिनों बाद ब्लेड से ना पर थोड़ा सा काट देंगे, उसमें आपके 2 पर आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर आप पर काटेंगे उसमें 2 पर आजाद हो जाएंगे। पट्टों के पार वैसे भी कहते हैं काटने नहीं चाहिए ना? नहीं काटने चाहिए, आपने हिलाने हैं ना, जोड़े तो नहीं ना बनाने। जिसने जोड़े बनाने हो तो वो काटते हैं, आपने हिलाने तो आप काटने टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। सही 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 सही।
तो ये वाली बस हम तीन भट्टे ले रहे हैं इस वक्त, तो बस डील डन कर। नस्ल में आपने अच्छे खरीदे इसहाक भाई, अच्छी नस्ल की खरीदी। नस्ल ये जी कि अगर आम अगर लोकल हम बेचने खत्म ना करता होता अगर कबूतर ना, तो अभी ये वन पीस जो है वो 1000 का, 1 piece 1000 का, 3000 का, 3 piece बनते हैं। अच्छा अच्छा, वीडियोस बनाई भी अच्छी अच्छी नस्ल लेके आते हैं। हां बिल्कुल, मैं देख ही थी शॉप को, मतलब कैरी ऑन करने के लिए मैंने आपके साथ में जायज बताया कि यार आप दे दो। बिल्कुल चले सही है, हम इनको लेके जाते हैं, किस चीज में डाल दें इनको। आ तो जी ये रे जी इनकी जो है ना इरे है ना ये, इनका दूसरा नाम क्या होता है, मतलब जो सही लोग जानते हैं क्या नाम होता है सही? कहते हैं जी, पता नहीं यार, कोई हर जबान में मुख्तलिफ नाम होता है ना परिंदों। हाँ बिल्कुल, लेकिन यार ये तो पीछे लगती है, अभी बड़ी बतखे हैं इनका, हमारी जबान में तो इनको हीरे कहते हैं, आपकी जबान में क्या कहते हैं? कॉमेंट्स में लाजिम बताना है आपने। लंबे कांटे वाली बतखा। तो दोस्तों अभी हम पीछे से लेके आ चुके हैं, और अभी हम जो है ना उनको जाकर अंदर छोड़ते हैं, उनके परों का भी कुछ सिस्टम करते हैं, या टेप लगाएंगे उनके परों पर, या कोई धागा लगाएंगे, या हमें मलिक रहमान साहब गाइड करेंगे। तो अभी आते हैं हम इनको अंदर लेकर। किधर रखने का इरादा जी आपका? अभी तो मेरा इरादा उस नीचे वाले केज में रखने का है उधर, तो अभी हम रखते हैं वहाँ पर। तो जी हमने केज में अपने पिजन्स डाल दिए हैं, ये नीचे डर गए हैं ये देखें आप, और अभी हम इनके खाना पीना में डाल देते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? ये थोड़ी सी गंदम डाल देते हैं इनके आगे यहीं से। एक तो हमें उनसे पूछ लेना चाहिए था ये खाते क्या है, अगर बाजरा खाते हो तो बाजरा डाल देते हैं हम इनके आगे। मिक्स होते हैं चना शौक से खाते हैं। हाँ। क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है चना ताकत वाला होता है। चना बाजरा और गंदम, गंदम का इस्तेमाल आप लोग भी कम करें जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि गंदम से गर्म होता है। बिल्कुल, तो अभी इनके हम पर बांध रहे हैं ये है जी, काटते नहीं है इनके पर। तो दोस्तों ये रहे जी हमारे पिजन्स माशाल्लाह, ये 500 के पर हमने बांध दिए हैं, और अभी हम इनको वापस अपने पिंजरे में लेके जाते हैं। और ये जो है ना अभी अभी फुल जो है ना ब्रीडर पेयर नहीं है, ये अभी पट्टे हैं, और इनमें जो है ना दो फुल पेयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी ये तीनों पट्टे हैं। तो अभी हम इनको पिंजरे में लेके जाते हैं दोबारा, आराम से आराम से जी हम पकड़ लेते ताकि ये भागे नहीं। तो दोस्तों ये इंशाल्लाह हमारा पिजन जो है ना ये हमारे सेटअप में पहला ऐसा परिंदा होगा जो उड़ने वाला होगा। पहले हमारे पास ये पैरट भी था ये जो यहीं पे, लेकिन जो है ना इस पे हम ट्रस्ट नहीं करते, ये अगर उड़ गया तो ये पक्का ही उड़ जाएगा। और लेकिन जो पिजन्स होंगे इंशाल्लाह ये उड़ेंगे नहीं, इनको हम जो है ना प्रॉपर सेटअप में हिलाएंगे इनके जो है ना, और है भी ये अभी बेबीज हैं, फुल अडल्ट नहीं है, तीन जो पिजन्स मैंने आपको बताए थे। तो इंशाल्लाह जी इनको हम पूरा सेटअप में लाएंगे, इनके साथ खेलेंगे, खूब मस्तियाँ करेंगे, और न्यू न्यू वीडियोज़ आएंगे, न्यू कंटेंट आएगा। तो आपने वीडियोज़ को जो है ना लाइक करना है, और ये जो मलिक रहमान भाई हमारे हैं तो आपने इनको भी चैनल विजिट करना है, इनको सपोर्ट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करें इनकी वीडियोज़ पर भी। हम भी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी है। तो अल्लाह हाफिज़।